वेलकम टू केसेस स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला है। लिटरेचर 2022 का लिटरेचर नोबेल प्राइज 2022 में जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है उन्हें किसकी मिला है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे सबसे पहले अपने इंडिया में लिटरेचर में साहित्य में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज किसे मिला था, किस साहित्य के लिए मिला था, वैसे दुनिया में सबसे पहले किसको मिला था, किस साहित्य के लिए मिला था, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स अपन देखने वाले गाइस, है ना। तो मैंने अब तक बहुत सारे सीरीज, ये नोबेल प्राइज का सीरीज स्टार्ट किया था मेडिसिन के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, जितने भी नोबेल प्राइज विनर है उसका पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हु विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 2022। तो 2022 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे मिला है, तो किसे मिला है गाइस, उनका नाम है एनी इरेनॉक्स को। क्या नाम है? एनी इरेनॉक्स को मिला है 2022 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। क्यों मिला है गाइस? उन्होंने साहित्य लिखा उनका फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच शी अनकवर्स द रूट्स एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ द पर्सनल मेमोरी। ये इतनी बड़ी साहित्य है ना, इस साहित्य के लिए उनको क्या मिला है, लिटरेचर अवार्ड मिला 2022 का। देता कौन है ये लिटरेचर अवार्ड? ये द स्वेडिश एकेडमी देता है, याद रखना। तो 2022 का लिटरेचर अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है, नाम है उनका एनी इरेनॉक्स को मिला है, एनी इरेनॉक्स। कौन देता है? द स्वेडिशी एकेडमी देता है। क्यों, किस किस साहित्य के लिए मिला है? फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल इक्विटी विद द विच शी अनकवर द रूट्स इंस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेन ऑफ द पर्सनल मेमोरी, ठीक है, ये साहित्य लिखी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 अच्छे से देख लेते हैं। आपको पता है कि 2022 का लिटरेचर प्राइज किसको मिला है, एनी इरेनॉक्स को मिला है। रहती कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट, कहाँ रहती है, कहाँ की है बंदी, ये बंदी है फ्रांस की। तो फ्रांस में रहने वाली एनी इरेनॉक्स उन्हें क्या मिला है, लिटरेचर प्राइज मिला है 2022 का नोबेल प्राइज, ठीक है। क्यों मिला है? फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल इक्विटी विच शी अनकवर द रूट्स इंस्ट्रेंजमेंट एंड द कलेक्टिव रिस्ट्रेन ऑफ द पर्सनल मेमोरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था 1901 में। कितने रिवॉर्ड की दिया था उनको, कितने पैसे दिए थे अवार्डी को? 10 मिलियन। और इसको प्रेजेंट कौन करता है? स्वदेशी एकेडमी करता है। तो पहला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे मिला था 1901 में मिला था, उनका नाम है सुली प्रुधोमी को, और ये फ्रांस के थे, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया के बारे में देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द लिटरेचर फॉर नोबेल प्राइज। यही क्वेश्चन मैंने कल आप कम्युनिटी में पूछा, ठीक है। तो पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था, और कौन से कलेक्शन के लिए? उनके गीतांजलि नाम के एक साहित्य था उसके लिए। तो गीतांजलि नाम के साहित्य है ना, 1913 में फर्स्ट इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था, काय के ऊपर? लिटरेचर, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, याद रखना। तो थैंक यू सो मच गाइज, है ना, फॉर कनेक्टिंग विथ अस। एंड ये थे अपने लिटरेचर के ऊपर नोबेल प्राइज किसे मिला, क्यों मिला, सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो में फ्यूचर में जुड़ने के लिए और फ्यूचर के अपडेट्स पाने के लिए, है ना, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है केसेस स्टडी सर्कल को, लाल बटन को दबाना है और बेल आइकन को भी दबा लो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, सबका मंगल हो और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।